के ग्रामीण इलाकों में चल रहे आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं को आमदनी के नए अवसर मुहैया कराने के लिए साबुन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें महिलाओं को बिना केमिकल के आधुनिक तरीके से साबुन बनाना सिखाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण नागपुर से आई 74 वर्षीय अम्मा दे रही है, ताकि ग्रामीण अंचल की महिलाएं साबुन बनाने का काम सीखकर सशक्त हो सके। बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय निर्माण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते उन्हें स्वरोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए। हम यहाँ जिला पंचायत में 5 दिन के साबुन प्रशिक्षण लेकर आए हैं, साबुन सीखे जा रहे हैं, कैसे वाला बना के। और मैंने पहले से ये काम कर रहा था, लगभग हमारा 1 साल हो गया काम कर रहा है। साबुन के बारे में पूरा सुविधा है, कोई काम उसमें इंजेक्शन नहीं है, कुछ छोटे से बड़े सब बच्चे तक सब ना हो। और यहाँ के भाई लोग को मैं सिखाने को आई हूँ। सभी को हम लोगों ने ऑर्गेनिक सोप बनाने के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, और इसमें जो ट्रेनर बुलाया गया था, हमें नागपुर से प्रमिला बागल जी को इसमें बुलाया था, जो कि काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी महिलाओं को ऑर्गेनिक सोप बनाने की जानकारी भी दी और ट्रेनिंग। दिलीप साहू जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, एक अच्छी यहाँ पे योजना संचालित की जा रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जो ऑर्गेनिक साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एक अच्छी पहल, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है इसको? देखिए, शासन प्रशासन हमेशा से जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के और प्रयास कर रही है। इसी के कड़ी में बेमेतरा जिला प्रशासन के द्वारा छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन के तहत में एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें जो समूह की महिलाएं हैं उसको जो ऑर्गेनिक तरीके से जो साबुन बनाना है वो सिखाया गया है। इसके लिए बाकायदा जो ट्रेनर के रूप में है, महाराष्ट्र से ट्रेनर बुलाई गई है, जो इन ग्रामीण महिलाओं को साबुन बनाने की विधि बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अपने घरेलू घर में ही रहकर घर में ही सारी चीज ला करके वो किस तरह से सशक्त बन सकती हैं और जो बिना किसी केमिकल के साबुन बना सकते हैं। इसी के तहत में ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें जो साबुन बनाया जा रहा है वो केमिकल किसी प्रकार का प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है, जो पूर्णतः ऑर्गेनिक होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।